Hello to everyone. I welcome you all on this platform and today we are going to discuss Haryana specific current affairs. ये है थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट के करंट अफेयर्स हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट करंट अफेयर है रिलेटेड टू द टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विस. तो जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है उनकी टाइमली डिलीवरी हो और उसकी जो सर्विस है वो टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुँचे, ये इंश्योर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रिसेंटली. दैट सॉफ्टवेयर नेम इज आस. सो इट इज़ अपील, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर. इट इज़ ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, अंडरस्टैंड. सो इस सॉफ्टवेयर के तहत होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप उस सर्विस के लिए एलिजिबल हैं और वो सर्विस आपको टाइमली डिलीवर नहीं होती है, जो कि बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं, तो आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर जाएंगे और वहाँ पे यू विल बी रिक्वेस्टिंग. बट ये जो प्रोसेस है इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है जिसमें आप क्या करेंगे, सीधा आप एपिलिएट अथॉरिटी के सामने एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर देंगे एपिलिएट अथॉरिटी को. सपोज़ ये एपिलिएट अथॉरिटी में भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग रहती है, इट इज़ स्टिल पेंडिंग, देन वॉट वुड हैपन. तो ये एप्लीकेशन जो है फिर आगे जाके हायर अथॉरिटी के पास जाएगी. ओके, एंड सपोज़ हायर अथॉरिटी के पास भी ये पेंडिंग रहती है, तो दोनों लेवल पे ये पेंडिंग रहती है, तब फिर इसका जो अल्टीमेट जो सोल्यूशन निकलेगा वो सर्विस का, कि सर्विस आपको मिलनी ही चाहिए, वो जो होगा दैट विल गो टू द राइट टू सर्विस कमीशन. तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये हायरार्की बना रखी है कि अगर मान लीजिए आपको सर्विस नहीं मिलती है, वो सर्विस जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर आती है, सो वो सर्विस जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर आती है वो सर्विस आपको नहीं मिलती है, आप सीधा अपने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एप्लीकेशन फाइल कर देंगे एपिलिएट अथॉरिटी को. अगर वहाँ पे पेंडिंग रहती है तो आगे आपकी जो हायर अथॉरिटी है और वहाँ पर भी पेंडिंग रहती है, सो डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो राइट टू सर्विस कमीशन के अंदर. ठीक है, सो ये चीज़ थी. और बेसिकली इसमें दिक्कत यही आएगी, या स्टार्टिंग में जो इनिशियली जनरली आप पॉलिसी लॉन्च करते हो तो उसमें लोगों को अवेयर करना कि रिगार्डिंग द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ये इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसमें क्या किया जा सकता है, यहाँ पे कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है और साथ ही साथ कैंपेनिंग की जा सकती है, पर्टिकुलर अवेयरनेस कैंपेन शुरू किए जा सकते हैं कि आपको कहीं अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर ज़रूरत नहीं है जाने की, आप जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको आप घर के अंदर ही अवेल कर सकते हैं. ये अवेयरनेस जगाने की बहुत ज़रूरत है. और ये जो सर्विसेज हैं ये बेसिकली 546 नोटिफाइड सर्विसेज हैं जो 38 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 31 डिपार्टमेंट्स इसको प्रोवाइड कराते हैं. और दीज आर बीइंग प्रोवाइडेड ऑनलाइन थ्रू, दीज आर बीइंग प्रोवाइडेड ऑनलाइन थ्रू अंत्योदय सरल पोर्टल, अंत्योदय सरल पोर्टल. ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद इसको ज़रूर रखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. राइट, अब इसमें है क्या चीज़ कि एक बैरन लैंड जो कि स्पेसिफिकली जगह है गोपू वाला बाग इन वार्ड 14 ऑन हंसी रोड. अब ये जो लैंड थी, ये लैंड बेसिकली यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से कूड़ा था, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थे, पॉल्यूशन हो रहा था, लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे थे बिकॉज ऑफ होल दिस गार्बेज जो डंप हो रखा था. अब बिकॉज ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएटिव लिया और इस पूरे एरिया को विद इन 9 मंथ्स, 9 महीने के अंदर ही इस पूरे एरिया को जहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ था और भी कई सारे इश्यूज हो रहे थे, उसको एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में तब्दील कर दिया, उसको चेंज कर दिया. और ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट किया गया अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. तो स्मार्ट सिटी के तहत जो है इस पूरे एरिया को मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तहत चेंज कर दिया 9 महीने के अंदर अंदर. सो इट इज़ वेरी रेवोल्यूशनरी थिंग दैट हैपेंड इन दी हरियाणा. और इसके अंदर जो मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर हमें अब देखने को मिलता है एक हॉकी ग्राउंड है, वॉलीबॉल कोर्ट है, एक जिम आपको मिल जाएगा ओपन एयर वाला, और साथ ही साथ जॉगिंग ट्रैक भी आपको मिल जाएगा जो कि ऑलमोस्ट वर्ज ऑन कंप्लीशन पे है. और ये सारे जो इनिशिएटिव लिए हैं, ये इनिशिएटिव लिए हैं अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. ओके, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. पहले इट वॉज क्रिएटिंग अ कंसर्न फॉर द रेसिडेंट जो लिविंग नियर बाय टू दैट रीजन, बट नाउ अब वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है रीजन.
सो अपकमिंग डेज में आपको लश ग्रीन हॉकी ग्राउंड्स मिलेंगे, वॉलीबॉल कोर्ट्स मिलेंगे. तो दीज आर नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज यहाँ पे आपको ये जो केस स्टडी है, ये जो रीसेंट करंट अफेयर, लोकल करंट अफेयर हरियाणा से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यू कैन यूज़ इट इन योर जीएस पेपर्स ऑल्सो. आप सिंपली पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए वॉट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी. तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी क्या है वो आप लिखेंगे. उसके बाद यू कैन टेल मी कि अर्बन डेवलपमेंट के अंदर इसका क्या रेलेवेंस है. ठीक है, रेलेवेंस इन अर्बन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी का. इसके आगे आप लिख सकते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड होगा सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी का विद इन 200 वर्ड्स. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी वो थोड़ा सा देखेंगे. दैट कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी इज बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस. ठीक है, अब स्मार्ट गवर्नेंस ऑब्वियसली आपको देखने को मिली, राइट. इसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्मार्ट पीपल, राइट. स्मार्ट पीपल मतलब लोगों को अवेयरनेस है, लोग इन्फॉर्म्ड है. ठीक है, पूरी एमिनिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो वहाँ पे जो सिटी है उसमें जो जो आपके पास एमिनिटीज़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, किस तरीके से हम लोग सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं उन एमिनिटीज़ का, ये मेक श्योर कर रहा है स्मार्ट पीपल. ठीक है, और इन्फॉर्म्ड पर्सन. और इसके अलावा हमारे पास आता है स्मार्ट एनवायरनमेंट. इसके अलावा आता है स्मार्ट एनवायरनमेंट. ठीक है, सो किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो नेचर ने हमें दिया हुआ है उस टाइम पे सस्टेनेबल तरीके से. सो आप बिल्कुल इसको याद रख सकते हैं, स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट अवेयर एनवायरनमेंट. ठीक है, ओके. और साथ ही साथ जैसे कि इनका रेलेवेंस क्या है अर्बन डेवलपमेंट के अंदर, देखिए बहुत सिंपल क्लियर कट चीज़ होती है. दैट इज कि दैट बहुत सिंपल क्लियर कट चीज़ है. अर्बन डेवलपमेंट तो होती है, बट अगर सस्टेनेबल तरीके से होगी तो ऑब्वियसली उसको हम लोग ज़्यादा उसको एक्सेस कर पाएंगे. हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको एक्सेस कर पाएगा. मेरे कहने का मतलब है कि अर्बन डेवलपमेंट तो आज के टाइम पे भी हो रही है. बहुत सारा रूलर यूथ जो है, रूलर से अर्बन माइग्रेशन होती है. माइग्रेशन होती है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन हो जाते हैं, इन्वायरमेंटल हजार्ड होना शुरू हो जाते हैं, स्लम एरियाज देखने को मिलते हैं. साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलता है कि ट्रैफिक है, अर्बन अम्यूनिटीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है. तो अगर अर्बन डेवलपमेंट करनी है तो इस तरीके से करनी है ताकि ये जो मैंने तीन चीज़ें बताई, गुड गवर्नेंस भी हो, स्मार्ट लोग भी हो, और स्मार्ट एनवायरनमेंट का भी उसका ओरिएंटेशन हो, इस तरीके से हम लोग अर्बन डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये सारी चीज़ें हमारी स्मार्ट सिटीज़ के अंदर कवर होती है, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के अंदर कवर होती है. और वे फॉरवर्ड में अगर बात करें तो ऑब्वियसली हर स्मार्ट सिटी का जो मॉडल है उसके फंडामेंटल सिमिलर है कि आपको स्मार्ट पीपल लेकर आने हैं, स्मार्ट गवर्नेंस लेकर आनी है, लेकिन उसका जो मॉडल है कि उसको वो फंडामेंटल को अचीव कैसे करना है, वो मॉडल हर सिटी के लिए अलग अलग होगा. वन साइज फिट्स फॉर ऑल ये इंडिया के केस में हो ही नहीं सकता. तो आप याद रखेंगे इसमें वे फॉरवर्ड में थोड़ा थोड़ा आप जो है अपने हिसाब से उसमें चेंजेस ला सकते हैं मॉडल के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, बट फंडामेंटल जो होने चाहिए दैट शुड बी सिमिलर टू गेट द सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी. अंडरस्टैंड, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे. और साथ ही साथ आप इसमें SDG भी इंक्लूड कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड कर सकते हो, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CM मनोहर लाल खट्टर रिलीज्ड अ बुक. अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक का नाम याद रखना है, दैट इज़ हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड. तो हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड जो है ये कंपाइल की गई है, IAS फॉर्मर IAS रह चुके हैं ये, धीरा खंडेलवाल के द्वारा जो है इन्होंने ये बेसिकली बुक को लिखा है, हरियाणा इन्वायरमेंट पोल्यूशन कोड. और याद रखेंगे इनको CM जो है हमारे, उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है, राइट. तो इतना ही इस न्यूज़ के ऊपर था. इसके अलावा नाउ स्टेट जो है हरियाणा स्टेट काफ़ी एम्फसाइज कर रहा है डिजिटल हरियाणा के ऊपर, डिजिटल हरियाणा के ऊपर काफ़ी एम्फसाइज देखने को मिलता है. सो इसी टाइम पे मतलब जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, मतलब जो अभी रिसेंटली जो 75वां साल हुआ है हमारी आज़ादी को, उस 75वें साल में हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव. सारे स्टेट्स में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो इसी
सेलिब्रेशन के तहत गवर्नमेंट ने डिजिटल इंफॉर्मेशन पैनल जो है उसको लॉन्च किया है और साथ ही साथ डिजिटल एग्जीबिशन ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा टू दी फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये दो एक कॉन्सेप्ट है जो लॉन्च किए गए हैं हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ताकि डिजिटलाइजेशन को वो मिले, मतलब थोड़ा पेस मिले, स्पीड मिले, राइट। अब इसमें क्या है, डीआईपी के तहत, डिजिटल इंफॉर्मेशन पैनल के तहत लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके बारे में, स्टोरीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, किस तरीके की स्टोरी रही है और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके सैक्रिफाइसेस क्या हैं, वेलोर क्या स्टोरीज हैं, उनके सारी चीज़ों के बारे में डीआईपी के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इससे क्या होगा, लोग इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और ऑब्वियसली होना भी ज़रूरी है। आपको सबको, आपने अगर फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा होगा, आपने भी देखा होगा कि हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे, भगत सिंह, हमारे जो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, दे ऑल्सो गॉट मोटिवेशन फ्रॉम दी अदर रेवोल्यूशनरी, जैसे बलवंत राय फाटके, तो इनसे इनको मोटिवेशन मिली थी। तो वैसे ही आज के टाइम पे यूथ जो है वो अपने फ्रीडम फाइटर्स से मोटिवेशन लेता है और ले रहे हैं और यही एक जरिया होता है मोटिवेशन लेने का, अंडरस्टैंड। अब एक डिजिटल पैनल्स भी सेटअप किए जाएंगे जो कि इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करेंगे अबाउट दी हरियाणा इन द फ्रीडम स्ट्रगल का, क्या हरियाणा का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान रहा है, ये बेसिकली कहाँ पे लगाए जाएंगे डिजिटल पैनल्स जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहे होंगे, ये दिखा रहे होंगे मिनी सेक्रेटेरिएट एंड प्लेसेस हैविंग द हैवी फुटफॉल। तो जो मिनी सेक्रेटेरिएट है जितने भी गवर्नमेंट के और साथ ही साथ गवर्नमेंट के मिनी सेक्रेटेरिएट हैं वहाँ पे और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों का आना जाना रहता है वहाँ पे ये डिजिटल पैनल दिखाए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे और बेसिकली हरियाणा का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान रहा है वो दिखाया जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग और वेरी एक्सेप्टेबल थिंग। हरियाणा के यूथ का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी रहता है फौज के तरफ, आर्मी सिपाही हो गए या ऑफिसर्स हो गए, यहाँ पे आप देखेंगे हरियाणा के कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे लेवल पे है, आज भी और पहले भी काफ़ी अच्छे लेवल पे था। ओके, नाउ एक और न्यूज़ है, इट टॉक्स अबाउट अ गुड न्यूज़ फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स जो हरियाणा के अंदर है, अक्रॉस द स्टेट जो है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इस सेशन के अंदर एनरोलमेंट दिखेगी नए स्टूडेंट्स की। सो एक ये एस्पेक्ट भी आप इंक्लूड कर सकते हो अपने जीएस के अंदर, जहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को कंसिडर नहीं किया जाता लोगों के द्वारा, मेजरली जो वेल ऑफ फैमिली के होते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को कंसिडर करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी क्या चीज़ें हैं या क्या कमियां हैं जो प्राइवेट स्कूल के साथ मैच नहीं हो पाता, बट यहाँ पे एनरोलमेंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एनरोलमेंट हो रखा है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इस बार और यहाँ पे ज़ीरो ड्रॉप आउट रेट जो है वो इस बार देखा गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में बच्चे छोड़ के चले जाते हैं बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो ड्रॉप आउट रेट है। नाउ एक बहुत ही दिमाग में मेरे ये चीज़ दिमाग में आ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, इज़ इट बिकॉज ऑफ द एमिनिटीज दैट आर देयर इन द गवर्नमेंट स्कूल, वो उनका स्टैंडर्ड हाई हो चुका है। हाँ, मैं बोलूँगा कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं एज़ फार एज़ द डिजिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एजुकेशन इज़ कंसर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने बहुत सारे इंस्टॉल किए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर स्मार्ट बोर्ड्स। तो पहले क्या होता था, वाइट बोर्ड होता था और अब जो है स्मार्ट बोर्ड जो है उनको इंस्टॉल कर दिया गया है, स्मार्ट बोर्ड। इसके अलावा हम लोग बोले तो काफ़ी स्कूल्स के अंदर टैबलेट्स भी हैं जो दिए जा रहे हैं टीचर्स को ताकि वो बहुत तरीके से एक्सेस कर पाए और जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको भी उसको एक्सपीरियंस मिले, राइट। बट अगर इस चीज़ की बात करें तो आई थिंक इसमें ये कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल होगा। एक कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें मेजरली ये है कि COVID-19 की वजह से क्या है, स्कूल्स काफ़ी टाइम से बंद पड़े हैं, चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट है। अब प्राइवेट स्कूल में फीस जाती है लाखों में, अगर अच्छे प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो जो पेरेंट्स हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि बच्चा स्कूल में तो जा नहीं रहा है, उसने एक्सेस करना है अपने फ़ोन के अंदर, टैबलेट के अंदर वो सारा कोर्स या सारी एजुकेशनल चीज़ें, तो वो फ़ोन या टैबलेट से ही एक्सेस कर रहे हैं और वो जो ब्रांड्स, वो जो कोचिंग है वो उसको कहीं और से उसको ले ही रहा है। तो क्यों ना स्कूल की जो फीस है उसको कम करके हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को एनरोलमेंट करा देते हैं और जो पैसा लगाना है वो कोचिंग के ऊपर लगा देंगे।
तो ये मॉडल जो है वो जनरली देखा जा रहा है। अगर आपको एक्सेप्ट लग रहा होगा तो डेफिनेटली आप बता दीजिएगा कि पेरेंट्स जो है उनको कहीं पर भी वैल्यू नहीं दिख रही है कि बच्चा स्कूल तो जा नहीं रहा, वहाँ की फ़ीस क्यों देनी है, हम गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इसकी एनरोलमेंट करा देते हैं और कोचिंग जो है वहाँ पर हम लोग वो पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, उसको वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक और एस्पेक्ट हो सकता है इस एनरोलमेंट का, ठीक है। ओके नाउ एक छोटी सी करंट अफेयर है, बिल्कुल याद रखेंगे। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो गेस्ट टीचर्स आते हैं उनका जो है 11% मंथली ऑनरेरियम जो है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, 11% का हाइक हो रहा है। और ये जो प्रोविज़न है, ये सारा जो प्रोविज़न कंटेन होता है मंथली ऑनरेरियम का, ये होता है हरियाणा गेस्ट सर्विस एक्ट के तहत। तो हरियाणा गेस्ट सर्विस एक्ट के तहत जो है 11% का हाइक जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया है गेस्ट टीचर्स के लिए, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अरावलीज के ऊपर। तो अरावलीज जो है उसके ऊपर एक बहुत दो चार साल से न्यूज़ आती ही रहती है। सो रिसेंटली सर्वे हुआ, सर्वे कंडक्ट किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, एरियल सर्वे कंडक्ट किया गया, जिसमें बहुत ही क्लियर कट पता चल गया कि कितना ज़्यादा एनक्रोचमेंट जो है वो हो रखा है अरावलीज के ऊपर, ठीक है। तो लगभग 25 एकड़ का जो इंक्रोचमेंट है, जैसे स्लम एरियाज़ वहाँ पे बन रखे हैं, फार्म हाउसेज है, ट्रेनिंग सेंटर्स है, टेम्प्ररी कंस्ट्रक्शन कर रखी हैं, तो ये एक सर्वे के थ्रू पता लगा कि अरावलीज के ऊपर इतना सारा इंक्रोचमेंट है। नाउ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ कि अरावली जो है वो हमारे लिए बहुत ही, इसका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो उसको कंजर्व करना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। जैसे कि आप खुद देखेंगे यहाँ पे यू नो यहाँ पे नोटिसेस जारी कर दिए हैं कि आपको ये सारा एरिया जो है वो छोड़ना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। ये करंट एस्पेक्ट है, बट इसके ऊपर कैसे आप सवाल ले सकते हैं, ये सवाल जो है अरावलीज के ऊपर ये आज का मुद्दा नहीं है, ये पिछले 5-6 साल से यही न्यूज़ के अंदर कुछ ना कुछ अरावलीज के ऊपर आता रहता है। नाउ क्या आएगा, देखिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल बताता है कि अरावलीज ब्रोकन बियॉन्ड रिपेयर। इसका मतलब तो यही है कि इतना ज़्यादा इकोलॉजिकली उसका जो डाइवर्सिटी है उसको हिट कर चुके हैं हम लोग ह्यूमन जो है उसका इंटरफेरेंस की वजह से, क्या अब उसको रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट हाँ, अब जितना भी बचा कुछ आया उसको हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूर उठा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे पहली चीज़ तो है कि ये जो इंक्रोचमेंट है ये एक बहुत बड़ा इशू है, जो आपको पता है 25 एकड़ तक इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है, जो कि इल्लीगल तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है अभी जो करंट इवेंट के ऊपर अगर हम लोग बोले तो। लेकिन एक और इशू है जो अरावली से रिलेटेड है, दैट इज़ इल्लीगल माइनिंग। सो बेसिकली अरावली के ऊपर इल्लीगल माइनिंग हो रही थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन्वॉल्व होके इसको बंद करवा दिया, बट इस इल्लीगल माइनिंग की वजह से लगभग 23% जो है 23% ऑफ अरावली की बायोडाइवर्सिटी को हिट हुआ, उसकी 23% जो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो गई, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गया इंक्रोचमेंट और इल्लीगल जो माइनिंग होती रहती थी इसके अरावली इसके ऊपर जिसने हिट किया बायोडाइवर्सिटी को, बट इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि इसका जो एनवायरनमेंट है या सिग्निफिकेंस है अरावली इसका वो क्या है। देखिए सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज जो है वो नेटिव स्पीशीज हैं, आपको देखने को मिलेगी नेटिव स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा मानसून जो है उसका भी इम्पैक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ओके। मानसून की वजह से यहाँ पे अरावलीज की वजह से मानसून जो है पंजाब हरियाणा वाले एरियाज़ में रेनफॉल लेकर आता है बिकॉज ऑफ अरावलीज, याद रखिएगा। साथ ही साथ जब रेनफॉल होती है अरावलीज से तो आगे जाके ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी यहीं से होता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट एक्ट्स एज अ लंग, ठीक है। लंग है मतलब ऑक्सीजन देता है, लंग फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड
सिटी या रीजन दैट इज़ दिल्ली और एनसीआर। सो दिल्ली एनसीआर में जो ऑक्सीजन है हॉटस्पॉट, इतना प्लांटेशन है अरावलीज के ऊपर, इसीलिए इट एक्ट्स एज अ लंग फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन दैट इज़ दिल्ली एनसीआर। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ अरावली का हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हरियाणा का मेजर जो जिसे कहते हैं ना ग्रीन जो फॉरेस्ट कवर है, हरियाणा का मेजर फॉरेस्ट कवर कहाँ से आता है? अरावली के बायोडाइवर्सिटी से आता है। तो हरियाणा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनिशिएटिव लेना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द होल इन ईयर राउंड। द होल ईयर राउंड अ स्टडी कंडक्टेड बाय द एनवायरमेंट साइंस डिपार्टमेंट। तो बेसिकली एनवायरमेंट साइंस डिपार्टमेंट ने एक स्टडी कंडक्ट की है, ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड ही है, ये भी स्टबल बर्निंग से रिलेटेड है। दैट इज़ गुरु जमवेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने रिवील किया है दैट इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन हरियाणा हैज़ बिकम अ सीरियस कंसर्न एंड सीजनल जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, जो क्रॉप की कटाई होने के बाद जो बचा खुचा रह जाता है जिसको स्टबल बर्निंग भी कहते हैं, उसको बेसिकली उसकी प्रैक्टिस जो सीजनल होती रहती है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो एड ऑन हो जाता है और हो भी रहा है। तो ये जो है ये स्टडी है, आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे, आप यूज़ कर सकते हो ये स्टडी को। लोकल जो आपने स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं जैसे हरियाणा है, अब यहाँ पे मैं आपको ये केस स्टडीज़ या ये एग्जांपल्स जो दे रहा हूँ, अगर ये आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने पेपर्स के अंदर जीएस के अंदर यू विल बी स्कोरिंग बेटर, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो अगर ऐसे ऐसे केसेस जो है आप एग्जांपल के तौर पे अपने पेपर के अंदर लिखोगे, रादर देन इंटरनेशनल और नेशनल केसेस। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ सेइंग इज़ कि बोला जा रहा है कि मेजरली जो पॉल्यूशन लेवल होता है ये लेवल इंक्रीज या डिक्रीज तब होता है बिकॉज ऑफ सीजनल चेंजेस। तो जब सीजन में वेरिएशन आती है तो पोल्यूशन के पार्टिकुलेट मैटर्स में भी वेरिएशन आती रहती है। अब ये वेरिएशन आती कब है, कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है? सो जब इंक्रीज होता है पोल्यूशन तो वो टाइम होता है पोस्ट मानसून सीजन का, ये होता है पोस्ट मानसून सीजन का। तो मानसून आया, मानसून में जितना भी आपका जो पॉल्यूशन है पार्टिकुलेट मैटर होता है वो तो वॉश्ड अवे हो जाता है, क्योंकि वो पार्टिकुलेट मैटर रेनफॉल होती है, रेनफॉल से क्लियर स्काई हो जाती है और ये जितना भी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट होता है वो वॉश्ड आउट हो जाता है रेन के थ्रू, वॉश्ड आउट हो जाता है रेन के थ्रू इन द सीजन। तो ये रिवील की है स्टडी, स्टडी में रिवील हुआ है, क्लियर हो गया, राइट। बट आफ्टर मानसून, आफ्टर मानसून क्या होता है, ये जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं 10 PM 10 और 2.5 ये इंक्रीज हो जाते हैं, और कितना इंक्रीज होता है 65 से लेके 112% एंड 131 to 147%, तो इनका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ये चेक किया गया, सेटेलाइट बेस्ड जो है वो फायर काउंट्स किए गए और देखा गया कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो हो जाता है स्टबल बर्निंग के वजह से। आपने देखा होगा स्टबल बर्निंग जो है आज के टाइम पे फार्मर्स को इंसेंटिव दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी वो सफिशिएंट नहीं है कि वो स्टबल बर्निंग करना छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि क्रॉप के बीच में जो है टाइम पीरियड बहुत कम होता है, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि फटाफट आग लगा दी जाए जो बाकी रेसिड्यू क्रॉप है, राइट। बट अब जो है उसकी वजह से क्या होता है, पोस्ट मानसून सीजन पे हमें ये बर्निंग का इफेक्ट ये दिखता है कि जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं पॉल्यूटेंट है वो इंक्रीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और जिसकी वजह से जो एयर क्वालिटी होती है दिल्ली की, एनसीआर रीजन की, हरियाणा की, पंजाब की, वो पुअरेस्ट हो जाती है। तो हरियाणा एयर क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है, ये सारा स्टडी के अंदर लिखा हुआ है और आपने न्यूज़पेपर के अंदर भी काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, राइट। चलो, नाउ इट इज़ अ वेरी फैक्चुअल करंट अफेयर, लेट्स टॉक अबाउट इट कि स्टेट का पहला स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, स्टेट का पहला स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर इसको सेटअप किया जा रहा है एट ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला के अंदर। तो बिल्कुल याद रखेंगे, और आपको पता है कि हरियाणा जो है एक मॉडल के तौर पे निकल के आया है कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो है एथलीट जो अल्टीमेटली ओलंपिक में जाते हैं मेडल लेकर आते हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाते हैं मेडल लेकर आते हैं। तो रिसेंटली इनफैक्ट न्यूज़ में आया है कि गुजरात की टीम स्पेसिफिकली हरियाणा में गई है और वहाँ पे चेक कर रही है कि व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग एंड व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, उसमें क्या डिफरेंसेस है, हमारे स्टेट से भी
चैंपियन निकलने चाहिए ये केस स्टडी करने के लिए बेसिकली गुजरात की टीम जो है हरियाणा गई है, ठीक है। तो अब इस सेंटर को, ये सेंटर होगा इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो रेडी हो जाएगा खेलो इंडिया गेम्स से पहले। जो खेलो इंडिया गेम्स है 2022 में कंडक्ट होने वाले हैं, 2022 में कंडक्ट होने वाले हैं, तो इससे पहले जो है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ प्लेयर्स को ये बेनिफिट मिलेगा कि वो अगर इंजरी हो चुकी है तो वो क्विक रिकवरी कर सके इस सेंटर के थ्रू, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ 1000 स्पोर्ट्स नर्सरी आर बीइंग ओपन्ड आल्सो, सो 1000 स्पोर्ट्स नर्सरी भी ओपन किए जाएंगे इसके साथ साथ। चलिए, ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, वो न्यूज़ ये है। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो टाइमली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रैंकिंग आता है, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन, ये रैंकिंग है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। इसके तहत जो है यूनिवर्सिटीज़ जो होती है कॉलेजेस, उनको रैंक किया जाता है। तो एक अच्छी न्यूज़ ये है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंदिरा चक्रवर्ती कॉलेज ऑफ होम साइंसेस है, इंदिरा चक्रवर्ती कॉलेज ऑफ होम साइंसेस, उसको फर्स्ट रैंक मिला है स्टेट के अंदर, और सेंट्रल फार्म यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अक्रॉस द कंट्री। और रैंकिंग कौन सी है, NIRF की रैंकिंग है, ये रिलीज़ करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आप बिल्कुल, इसको फैक्चुअल डेटा है, करंट अफेयर है, आप याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत इंदिरा चक्रवर्ती कॉलेज को इस तरीके से रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस मिला है। सो इसमें वेरियस क्राइटेरिया थे, अब ये क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लगेगा आप पढ़ लीजिएगा, आर्ट्स फैकल्टी साइंस अप्लाइड, तो ये सारे क्राइटेरिया थे जिस बेसिस पे इनको लिस्ट डाउन किया है। नाउ एक और न्यूज़ है, दैट इज़ हरियाणा स्टेट का लोएस्ट नंबर है एक्टिव कोविड केसेस के अंदर इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो हरियाणा स्टेट है उसमें सबसे कम लोएस्ट एक्टिव केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें कि इसके अलावा पंजाब जो है उसको फॉलो कर रहा है, हरियाणा को ही फॉलो कर रहा है, उसमें भी थोड़े हरियाणा से ज़्यादा है बट कम, मतलब कंपैरेटिवली बाकियों के कम ही है। तो इट इज़ फॉलोड बाय पंजाब स्टेट। इसके अलावा वी हैव दिल्ली, चंडीगढ़ एंड उत्तराखंड, जिनको इतना जो है एक्टिव केसेस पर मिलियन जो है पॉपुलेशन के हिसाब से रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा के कौन से चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे आपको नो एक्टिव केस देखने को मिलेगा अभी, दैट इज़ सिरसा, पलवल, नो या एंड महेंद्रगढ़। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, महेंद्रगढ़, नो, पलवल और सिरसा, इनमें जो है ये चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे हरियाणा के जहां पे आपको केसेस जो है एक्टिव नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, और इसको एनालिसिस के साथ समझेंगे कि एक हाउस होल्ड सर्वे, वैसे तो सर्वे पहले भी नेशनल लेवल पे भी हुए हैं, ये लोकल लेवल पे हुआ है हरियाणा स्टेट के लिए। एक हाउस होल्ड सर्वे किया गया, किसने किया, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा हुआ है, इट इज़ अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये सर्वे किया 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट के अंदर। और इसने आउटपुट जो है वो रिजल्ट जो है वो बताया कि केवल और केवल 14% जो स्टूडेंट्स हैं, 14% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, दे आर डूइंग द ऑनलाइन स्टडीज रेगुलरली, एंड रेस्ट जो 86% स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको बहुत ही मुश्किल आ रही है ऑनलाइन पढ़ने में, और कुछ रीजंस की वजह से वो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई जो है रेगुलरली नहीं कर पा रहे। नाउ ये सर्वे ये बताता है, ये डिस्क्लोज करता है कि बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई के अंदर अपना इंटरेस्ट जो है वो खो बैठे हैं, उनको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, और जो स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल्स हैं, उनकी भी धीरे धीरे कम होती जा रही हैं जैसे जैसे कोविड और बढ़ते जा रहा है उसकी वजह से, राइट। सो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये चीज़ एक तरीके से एज ऑपोजिट टू व्हाट वी आर फोकसिंग इज इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुँचे, ये चीज़ जो ऑब्जेक्टिव था इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाना हर इंसान के पास, हर बच्चे के पास, ये कहीं ना कहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको फिगर सामने दिख रहे हैं 14 and 86%। नाउ इसके ऊपर हम लोग थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे कि राइट, तो ये जितना भी था इसमें पूरे इसमें क्राइटेरिया क्या था, ये वो फलाना
बहुत सारी चीज़ें ये इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर जीन ब्रेजा जो है उनके द्वारा जो है इसको डिज़ाइन किया गया। इसके अलावा नॉन अवेलेबिलिटी, अब क्या रीज़न बताया गया इस सर्वे के द्वारा कि 86% बच्चे जो हैं वो क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स, एक्सेस टू इंटरनेट नहीं होता, पुअर नेटवर्क होता है, नॉलेज टू हैंडल द स्मार्टफोन वो भी नहीं होती है। तो ये मेजर जो स्टूडेंट्स हैं ये फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। इसमें जो मेजर स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या और बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर वो जो अनस्किल्ड लेबरर्स के आगे फैमिली वाले हैं उनको इश्यूज ये क्रिएट हो रहे हैं, राइट। अब इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो इसमें कंक्लूजन में क्या ये सर्वे कहता है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो नीदर एक्सेसिबल है नॉर फिजिबल है, ना ही एक्सेसिबल है क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिपेंड करती है इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर, और फिजिबल भी नहीं है क्योंकि बच्चा जो है वो स्मार्टफोन में उसका जो रीच, उसका जो टाइम है स्मार्टफोन में एक्सेस करने का वो बढ़ जाता है, उसको हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो इकोनॉमिक इश्यूज़ भी होते हैं, पैसे भी नहीं होते स्मार्टफोन को एक्सेस करने के इंटरनेट के, ये सारे इश्यूज़ की वजह से। हेंस दे वॉन्टेड ऑफलाइन क्लासेस, तो उनको क्या चाहिए, एज इट इज़ अ बेटर ऑप्शन, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन ज़्यादा बेटर होता है। तो सर्वे ने ये कंक्लूड कर दिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन कैन नॉट बी एन ऑल्टरनेट फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एज दिस मोड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन विल क्रिएट डिजिटल डिवाइड इन द कंट्री। एंड आई बिलीव, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन कैन कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ऑफलाइन एजुकेशन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगर कोई बोले कि इसको पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया जाए कि अब ऑनलाइन एजुकेशन ही होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत ही ज़्यादा जो मार्जिनलाइज सेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, डाउनट्रोडन सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, और साथ ही साथ जो हमारे लोग हैं जो मतलब जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोग जो है फटाफट ट्रांजिशन में आ जाए, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन में एक्सेस ले लें, ठीक है। सो ये डिजिट अल्टीमेटली व्हाट वुड हैपन इज डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड जैसे जैसे होगा फिर एजुकेशनल डिवाइड होगा, एजुकेशन में किसी को बहुत अच्छी मिल रही है, कोई किसी को बहुत बुरी एजुकेशन मिल रही है, इस तरीके से ये डिवाइड जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। नाउ इसके ऊपर आप बिल्कुल आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे भी हुए हैं कि डिजिटल एजुकेशन जो है लर्निंग एमिड द पैंडमिक, तो डिजिटल एजुकेशन लर्निंग विद इन द पैंडमिक, पैंडमिक के दौरान जो डिजिटल एजुकेशन में लर्निंग हो रही है बच्चों की वो कैसी हो रही है, इसमें आपने लिखना है पॉइंट एज इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक और अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो आर्ग्यूमेंट इन फेवर, तो यहां पे आ गया इन फेवर, आर्ग्यूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट लिखना है। अब इन फेवर में आप क्या लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली एज अ सेवियर, ठीक है, इट एक्टेड एज अ सेवियर क्योंकि एकदम से पैंडेमिक में लॉकडाउन हो गया डिक्लेयर, और उस वजह से क्या हुआ कि हमें जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम लोग एक्सेस कर पाए वो सारा यूट्यूब, सारे कोर्सेज एंड दिस एंड दैट, एंड जिसे कहते हैं ना कि एक नॉलेज वो नहीं हुआ कि एकदम से ब्लैंकेट हम लोग नहीं हो गए, ब्लैंकेट अनअवेयरनेस नहीं हो गई, ठीक है। सो सेवियर, टेक्नोलॉजी एज अ सेवियर, राइट। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, रात को 10 बजे, सुबह 9 बजे, इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, आपको पता है हम लोग अभी सब लोग फेस टू फेस कर चुके हैं ये सारी टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस को। साथ ही साथ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज मिल सकते हैं आपको, बहुत तरीके के कोर्सेज बेस्ट फैकल्टी से मिल सकते हैं, साउथ से मिल सकते हैं, नॉर्थ से मिल सकते हैं, इंटरनेशनल फैकल्टी आपको मिल सकती है, ठीक है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द कन्वेंशनल लर्निंग, एंड यू हैव सीन इट कि कहाँ पे कौन से कोर्सेज जो है आपको कितने पैसों में मिलते थे अब बहुत ही सस्ते में मिल सकते हैं, और कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है आपको मिलता है, आप अपने घर के अंदर आप ये कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। इसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ये भी पॉइंट है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो जैसे डिप्लोमेट्स होते थे, मोदी जी बहुत अलग अलग देशों में जाते थे, गले मिलते थे, अच्छे डिप्लोमेसी करने की कोशिश करते थे, फेस टू फेस बातचीत होती थी, तो अब वो जो जितना भी खर्चा है वो खर्चा अब
कम हो चुका है बिकॉज अब सीधा सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये बेनिफिट हो गया है कि वो पैसा जितना भी बाहर विदेश यात्रा में लगता था वो सब अब ख़त्म हो चुका है, अब सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बातचीत होती है, राइट। और इस तरीके से अब यहाँ पे बातचीत करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं अगेंस्ट द पॉइंट। देखो, लैक ऑफ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट, क्यों हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलेगा? आप पूरा दिन स्क्रीन के सामने ही बैठे रहेंगे, आँखों में इशू होगा, ओबेसिटी का इशू होगा, ठीक है। ऊपर से टेक्नोलॉजी एक्सेस ज़रूरी थोड़ी है कि सिटीज़ के अंदर ऑब्वियसली 4G नेटवर्क है, गाँव के अंदर बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक डिल्यूजन सा पैदा हो रहा है बच्चों के बीच में, उनको पता ही नहीं चल रहा कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। और साथ ही साथ इट इज़ राइट टू एजुकेशन जिसमें सबको पढ़ने का पढ़ाई का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में आ रहा है जो मैंने आपको पहले भी पॉइंट एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा हेल्थ एंड आई इश्यूज़ जो मैंने बता दिया, अदर हेल्थ इश्यूज़ नेक बैक पेन हो गया ड्यू टू बैड पोस्चर एंड ये सारी चीज़ें जो है अगेंस्ट दिस डिजिटल एजुकेशन के जाती है। एक और पॉइंट जो डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेबल है जो मैंने अभी आपको बताया कि मोदी जी जो है इतनी सारी विदेश यात्रा पहले करते थे, खर्चा होता था, और अब जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है, तो वो फेवर में आ गया, ठीक है, डिजिटलाइजेशन का। लेकिन अगेंस्ट में एक चीज़ क्या आ जाएगी, बहुत सिंपल चीज़ है, मोदी जी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातें कहते हैं और जो पर्सनली जाके गले मिलके कहते हैं उनमें डिफरेंस होता है ज़मीन आसमान का, समझ आ गया। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेल्प कर सकती है, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं हेल्प कर सकती। जो अल्टीमेट जो फंडामेंटल है दैट इज़ फेस टू फेस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिप्लोमेसी, ये देखा गया है, ये खुद चीज़ें की गई हैं। तो अभी इसीलिए आप देखो कि ऑफलाइन एजुकेशन जो होती है वो डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट हो सकती है ऑनलाइन एजुकेशन से, बट उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो यही आज का टॉपिक था, आपको शायद ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं एंड यू कैन राइट इट डाउन इन फेवर अगेंस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, 200 वर्ड्स के अंदर आप लिख सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही एंड थैंक यू।